नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज़ एचडी की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स की तरफ से दोस्तों एक मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है, जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस बोलकर, जो मोबाइल के अंदर आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी के एक बहुत ही बिग बैटरी दिया गया, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले रहेगा, उसके साथ आपको बहुत अच्छा प्रोसेसर रहेगा। यानी कि दोस्तों ये मोबाइल आपको 24 आवर के लिए फुल टू एंटरटेनमेंट देने के लिए आ रहा है, कंपनी ने ऐसा ही कुछ दावा कर रहा है। लेकिन आपको इसके लिए आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन आते हैं तो आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रहा है 21 जुलाई को, यानी कि 21 जुलाई को आपको इंडिया के अंदर लॉन्च होने जाएगा। उसके बाद ही आपको तो पता चल जाएगा इंडिया के अंदर आपको इस मोबाइल पे क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिया गया है, कितना प्राइस के अंदर ये आता है। लगभग ये दोस्तों हमको 10,000 के नीचे ये मोबाइल आने वाला है, क्योंकि इन्फिनिक्स से ज़्यादा मोबाइल 10,000 के नीचे आता है, तो ये भी मोबाइल शायद 10,000 के नीचे ही आ सकता है। उसके साथ रिलायंस जियो की तरफ से खबर निकल कर रहा है दोस्तों, जो रिलायंस जियो उसके साथ जो गूगल है एक साथ में पार्टनरशिप कर लिया, उसके बाद आपको रिलायंस जियो ने ये दावा कर रहा है जो इंडिया के अंदर आपका एंटी लेवल का मोबाइल लेके आने का बहुत ही कम प्राइस के अंदर, यानी कि ये आपको न्यूज़ निकल के आ रहा है रिलायंस की तरफ से। उसके साथ दोस्तों रिलायंस की तरफ से और भी एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, जो रिलायंस 5G जो इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, यानी कि अगला साल के अंदर आपको 5G लॉन्च होने का संभावना है, यानी कि इंडिया के अंदर 5G आप इंडिया के अंदर आप रिलायंस। रियलमी की तरफ से एक खबर निकल कर है, जो रियलमी ने 125 वाट का एक फास्ट चार्जर निकलने जा रहा है, जो बहुत ही फास्ट है आपको मोबाइल का चार्ज करने के लिए। उसके साथ ओप्पो भी ऐसा ही एक चार्जर निकलने जा रहा है, जो 125 वाट का चार्जर, जो बहुत ही कम समय के अंदर आप मोबाइल को फुल चार्ज करके देगा। यानी कि कंपनी ये दावा करता है 4000 mAh का आपको बैटरी रहेगा, तो उस मोबाइल को आपको चार्ज करने के लिए आपको फुल टाइम लगेगा 20 मिनट का, यानी 20 मिनट के अंदर ही आपको मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा। उसके साथ आपको ओप्पो ने और भी तीनों चार्जर निकलने जा रहा है, जो 110 वाट का एक मिनी फ्लैश चार्जर निकलने जा रहा है, उसके साथ 50 वाट का एक मिनी सुपर बुक चार्जर निकलने जा रहा है, उसके साथ आपको 65 वाट का एयर बुक वायरलेस चार्जर भी ओप्पो की तरफ से आने वाला है। यानी कि बहुत ही अच्छा आप चार्जर मिलने वाला है आपको मोबाइल को तुरंत चार्ज करने के लिए। उसके साथ आपको और टेक्नो की तरफ से खबर निकल कर था, जो दोस्तों टेक्नो PVR 4 बोलकर जो मोबाइल है उसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 का बीटा टेस्टिंग शुरुआत हो गया। आपको इस मोबाइल के आपका पास टेक्नो PVR 4 है, तो आप इस मोबाइल पे किस प्रकार से आप इसको एंड्रॉयड 11 का बीटा स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप कोई कमेंट कीजिए। आपको एक कमेंट पे कोई कमेंट आया है तो हम उसमें आपको दिखा देंगे किस प्रकार से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको एंड्रॉयड 11 अच्छा नहीं लगे तो एंड्रॉयड 10 पे किस प्रकार से जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो आज इतना ही था, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर।